हेलो दोस्तों, अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस टली को बजा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शेखर सिंह एंड आप देख रहे हैं डिस्टर्ब माइंड्स मैजिक। दिमाग को ज़्यादा खराब ना करते हुए तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों कि सभी देश आज तरक्की की होड़ में लगे हुए हैं और उन देशों को अपना इतिहास या आने वाले कल के बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है और वो लगातार विज्ञान और वैज्ञानिकता को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन उन तमाम देशों को एक छोटे से वायरस ने हिलाकर रख दिया, जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में उन देशों ने बहुत से उपकरण बना लिए हैं, लेकिन इन सभी उपकरणों के होते हुए भी वो इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं और हालात ऐसे हो चुके हैं दोस्तों, ये वायरस बहुत स्पीड से फैलता जा रहा है और इस वायरस के कारण बहुत सी जाने जा चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा वायरस इस दुनिया को किस तरह तबाह कर सकता है। इस छोटे से वायरस के आगे सभी बड़े बड़े देशों ने भी घुटने टेक दिए और इससे हमें यही पता चलता है कि प्रकृति हमसे कितना नाराज है। आज हम प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर चुके हैं कि प्रकृति भी हमसे बदला लेने के लिए उतारू है और वो किसी न किसी रूप में हमसे बदला ले रही है। जैसे कि 27 मार्च 1964 को अमेरिका के शहर अलास्का में आया हुआ भूकंप, नंबर 2 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आई सुनामी, नंबर 3 1820 में हैजा की महामारी, नंबर 4 1917 में प्लेग महामारी और 5वां 2020 जो है कोरोना। इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग इस संसार में रहते हुए प्रकृति के जीव जंतु और प्राणियों से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। हमें हमेशा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के आगे कोई विज्ञान या आविष्कार काम नहीं आता। जब प्रकृति हमसे नाराज होती है तो बहुत भयानक रूप ले लेती है। इस प्रकार प्रकृति हमसे अनेक बार नाराज हुई है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।